मसीही कौम में सियासी शऊर पैदा होना शुरू हो गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रही हैं, जहां मसीहियों ने अपना पैनल बनाकर तमाम सियासी जमातों को टफ टाइम देने का सोचा, तो कराची की बड़ी जमात MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सितार फरूक खुद चलकर उनके पास आए, तो वहां पर मौजूद मसीही खातून ने फारूक सितार को क्या कहा जानते हैं। आप भी आ गए, ये भी आ गए, सब लोग आ गए। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब हमारे साथ मसले मसाए, ठीक है? उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब हमें गड्ढे खोदे तो खींचा जा रहा था, हमसे काम लिए जा रहे थे। अब हमारा अपना मसीह पैनल जो अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है, तो आप लोग सारी हमारे पास आ रही है, सारा काम हम लोग करेंगे, क्रेडिट आप लोग ले जाएंगे। अच्छा बाजी, सॉरी, मैं अच्छा नहीं, बात कंप्लीट करने दो, बात कंप्लीट करने दो। नहीं देखिए, बोले नाम हमारे सामने लिया जा रहा था, फारूक सतार भाई, ठीक है? आज फारूक सतार भाई हमारे दरमियाना में बैठे, किस लिए बैठे, किस वजह से बैठे हैं? कि हमारा मसीह पैनल है, हम मसीह हैं, हम अपनी आवाज खुद उठा रहे हैं। उस वक्त हमारी आवाज कोई अपने से नहीं था बंदा, कि आप हमारी आवाज बनो, हमारे बैकग्राउंड में आओ, ठीक है? आप लोग आ गए थे, हम पीछे थे, आज आप लोग आ गए। बस अभी नहीं बोले, अब सुने, अभी जवाब ले लें। कोई बात है, गिला देखो अपनों पे। अच्छा, आपको कहा कि आपको उस जमाने में MQM के जिम्मेदारों ने गधे और घोड़े बना के रखा, तो भाई उन गधे और घोड़ों में एक मैं भी गधे और घोड़ों की तरह ट्रीट हुआ हूँ। चार साल से हम भी अलग हैं। मेरे साथ भी MQM ने वही असर किया और आखिर में 35 साल की उम्र का ये सलाह दिया कि मुझे पार्टी से अलग कर दिया। तो बाजी, आप नंबर अगर पहले आया तो मैं आपके बाद आया, मैं 4 साल पहले हटाया गया, इमरान खान अभी हटाया गया, तो आगे पीछे सबका नंबर लगा, जो सिंसियर लोग है ना।